अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज मैं बहुत मज़े की रेसिपी बनाने जा रही हूँ जिसका नाम है स्पाइसी बोटी, जो कि बनेगी चिकन। जी तो व्यूअर्स देखें, अब हमने जो जो हमें सामान चाहिए वो ये है। हमने चिकन ले लिए बोनलेस हाफ के जी, बोनलेस है ये, इसे मैंने धो के अच्छे से मैंने इसे वॉश कर लिया। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच, और ये देखें सॉसेस लिए हैं हमने, चिली सॉस, सोया सॉस और विनेगर, ये 3 चीज़ें ले ली हैं मैंने जो कि इसमें ज़रूरी है डालना। और ये देखें ये विनेगर है। हरा मसाला बना लिया, हरा धनिया पुदीना और वो हरी मिर्ची और ये नींबू, 1 अदद नींबू का लेके इसको मैंने निचोड़ लिया अच्छे से। अब ये सारी चीज़ें अब हम शुरू करते हैं इसको पकाना। गाइस तो आप इसे गौर से देख लीजिए, ये चीज़ें हैं और मैं इसे फ्राई पैन में बनाती हूँ। तो मैं फ्राई पैन सबसे पहले उठा लेती हूँ। इसे मैंने फ्राई पैन में सबसे पहले तेल गरम कर लिया है, 3 से 4 चम्मच तेल गरम करके अब मैंने इसमें गोश्त डाल दिया और ये बोनलेस है, और बोनलेस से अब इसको भूनेंगे अच्छी तरह ताकि इसका बिल्कुल कलर चेंज हो जाए। और सिर्फ ये भुना हुआ ही होगा, ये बिल्कुल वो नहीं होगा, इसमें बिल्कुल पानी वगैरह इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं होगा, सिर्फ इसको भूनना है हमने, इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। ये बिल्कुल बोटियाँ होंगी, बिल्कुल रुखी रुखी, और ये बहुत मज़े की बनती है, बहुत स्पाइसनेस होती है, इससे ना बहुत ही स्पाइसी होती हैं इनका टेस्ट, इसलिए अच्छा। कुटी हुई लाल मिर्च और काली मिर्च दोनों 1 1/4 चाय का चम्मच डाल दूँ थोड़ा सा। और पहले मैंने पहले दिखाया मैंने आपको ये, पर पहले मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है मैंने सबसे पहले, बोटी अच्छी से फ्राई होगा उसके बाद मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दी। और लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद अच्छी से फ्राई कर लेंगे इसको, ताकि लहसुन अदरक के पेस्ट की पहले स्मेल खत्म हो जाए, उसके बाद हम बाकी सारा सामान डालेंगे। ये थोड़ा थोड़ा करके प्रोसीजर चलता है, एक साथ साथ सामान डालते तो हर किसी एक अपना एक वो होता है। ये देखिए अब इसे अच्छे से फ्राई होने देंगे पहले थोड़ा लहसुन अदरक में, ताकि इसमें इसका जायका थोड़ा वो हो जाए। देखिए अब लहसुन अदरक अच्छी तरह बिल्कुल मिक्स हो चुका है, काफ़ी भुन चुका है ये। अब इसके अंदर मैं डाल देती हूँ नींबू, एक अदद नींबू डाल के अब। और ये देखें हरी मिर्चें, धनिया और पुदीना, 2 अदद हरी मिर्चें थी, थोड़े से धनिया, थोड़ा सा पुदीना, चिली सॉस, सोया सॉस और विनेगर, ठीक है। तीनों चीज़ें डाल दी हैं, 3 से 4 कतरे तीनों चीज़ें डाली हैं, तीनों चीज़ों के 3 3 4 4 ड्रॉप डाले हैं मैंने, और उनको डाल के अच्छे से अब इसको मिक्स करेंगे। और ये ज़्यादा से ज़्यादा ये 10 से 15 मिनट की रेसिपी है ये गाइस, ज़्यादा देर की नहीं है, और ये बहुत मज़े की बनती है। इसके खाने का मज़ा ही अलग है। आप इसके साथ हरी चटनी बना लें, साथ आप रोटी बना लें, इसके उसके साथ खा सकते हैं। और ये जो मैंने आपको दिखाया था कुटी हुई लाल मिर्च और काली मिर्च 1 1/4 चम्मच अब मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। स्पाइसेस के सिर्फ इसमें यही डालेगा, और नमक मैंने पहले बोटियों को लगा के रख दिया था गाइस, मैं आपको बार बार बताती चलूँ, ये नमक मैंने पहले बोटियों को लगा के रख दिया था ताकि बोटी का जायका कुछ हो, बोटी भी अगर भून जाए तो उसका जायका एक नमक का जायका एक अलग से ही आना चाहिए, इसलिए इसमें मैंने नमक पहले लगा के रख दिया था और कुटी हुई लाल मिर्च और से मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। अब देखें आपके हमारा ये कैसे बन चुका है, और ये हमारा रेडी हो गया है अच्छे से भुनने के बाद, जब बिल्कुल तेल वो हो चुका है खुश हो गया तो हमने इसे निकाल लिया, सर्व कर लिया। ओके गाइस, प्लीज़ गाइस लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।